आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। तिनकोनिया नंबर 3 के राजस्व गांव वनटांगिया में जिलाधिकारी ने लगाई चौपाल। प्राथमिक स्कूल के छात्रों से की बात, गांव की समस्याओं को दूर करने के दिए निर्देश। मंगलवार को मनाया जाएगा बारा औकात का पर्व। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी। एसपी सिटी ने कहा, सुरक्षा के किए गए हैं पुख्ता इंतजाम, सफल संपन्न होगा त्योहार। सोमवार को कोविड वैक्सीनेशन का चला मेगा अभियान। जिला अस्पताल सहित जनपद में 283 केंद्रों पर कुल 63,040 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज लेने वालों में 19,233 तथा दूसरी डोज लेने वालों में 33,807 लोग रहे शामिल। सीएमओ ने कहा, नहीं है वैक्सीन की कमी, अवश्य लगवाएं, टीका जीत का। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला सलाहकार समिति की विशेष बैठक। 30 अक्टूबर तक बैंकों द्वारा कैंप आयोजित कर शासकीय योजनाओं से लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दिए निर्देश। नगर आयुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई नगर निगम सदन के निर्माणाधीन नए भवन के प्रगति सहित नामांतरण प्रक्रिया की समीक्षा बैठक। कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। शेष ऊर्जा प्रबंधन की वादा खिलाफी के विरुद्ध जारी आंदोलन के तहत राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ जनपद इकाई के बैनर तले तकनीकी कर्मचारियों ने मुख्य विद्युत अभियंता कार्यालय के समक्ष किया धरना प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर 25 अक्टूबर को शक्ति भवन पर प्रदर्शन करने की दी चेतावनी। कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग को लेकर वामपंथी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग। चार सूत्रीय मांगों को लेकर स्वच्छताग्रही संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग। और दो दिनों से हो रही छिटपुट बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, मंगलवार तक है छिटपुट बारिश के आसार।